प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज हुई। उमंग कुमार के डायरेक्शन में बनी पीएम नरेंद्र मोदी के ट्रेलर को 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। एक तरफ तो इस फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस मिला, तो वहीं अब इसके साथ ही फिल्म पर विवाद भी शुरू हो गया है। दरअसल विवेक ओबेरॉय स्टारर इस फिल्म की क्रेडिट लिस्ट में गीतकार जावेद अख्तर का नाम दिया गया है, लेकिन खुद जावेद ये देखकर हैरान है। बॉलीवुड के जाने माने गीतकार जावेद अख्तर ने एक ट्वीट कर पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म पर हैरानी जताई है। दरअसल फिल्म की क्रेडिट लाइन में गीतकार के तौर पर जावेद अख्तर के नाम का भी जिक्र है, जबकि उन्होंने इस फिल्म के लिए किसी भी तरह का लेखनीय योगदान नहीं किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी। जावेद अख्तर ने लिखा, मैं फिल्म के पोस्टर पर अपना नाम देखकर हैरान हूँ, मैंने फिल्म के लिए कोई भी गाना नहीं लिखा है। आपको बता दें कि फिल्म की क्रेडिट लिस्ट में गीतकारों में जावेद अख्तर के अलावा प्रसून जोशी, समीर, अवेंद्र कुमार उपाध्याय, सरदारा, पैरी जी लावराज के नाम शामिल हैं। इसके अलावा स्क्रीन प्ले में अनिरुद्ध चावला के साथ विवेक आनंद ओबेरॉय का नाम देखकर भी लोग हैरानी जता रहे हैं। सुरेश ओबेरॉय, आनंद पंडित और आचार्य मनीष की प्रोडक्शन की गई ये फिल्म 5 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे पहले 12 अप्रैल को रिलीज करने की तैयारी थी। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का निर्देशन सरबजीत और मैरी कॉम जैसी बायोपिक फिल्म बना चुके उमंग कुमार कर रहे हैं। फिल्म में मोदी की भूमिका विवेक ओबेरॉय निभा रहे हैं। ये फिल्म बहुत तेजी से बनाई गई है। जनवरी में फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी और अब फिल्म रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में मोदी का किरदार निभा रहे विवेक ओबेरॉय के कई लुक सामने आ चुके हैं। हालांकि अपने लुक्स की वजह से विवेक ओबेरॉय लोगों के निशाने पर है। कई लोग विवेक की जगह परेश रावल को कास्ट किए जाने की बात भी कह रहे हैं। फिल्म में नरेंद्र मोदी के छात्र राजनीति से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को दिखाया गया है। इस राजनीतिक यात्रा में आपातकाल, मंदिर आंदोलन, गोधरा के बाद गुजरात के दंगों, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाओं के पीछे मोदी के दृढ़ नेतृत्व को दिखाया गया है। कुछ लोग फिल्म के जरिए मोदी के नाटकीय महिमामंडन का आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज होगी। फिल्म के निर्माता संदीप सिंह ने कहा था, हम इस फिल्म को सार्वजनिक मांग को देखते हुए 1 सप्ताह पहले रिलीज कर रहे हैं। लोगों के बीच इसे लेकर बहुत प्यार और प्रत्याशा है और हम नहीं चाहते कि वह लंबे समय तक इंतजार करें। पीएम नरेंद्र मोदी में शुरुआत से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक के नरेंद्र मोदी के सफर को दिखाया जाएगा। निर्माताओं ने फिल्म का पहला लुक और पोस्टर जनवरी में 23 भाषाओं में जारी किया था। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी पर बनी इस फिल्म को दर्शक कितना पसंद करते हैं। इस मसले पर आपकी क्या राय है हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।